बड़ी खबर ये बता दें, पटना से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। आरसीपी सिंह, जिसे लेकर लगातार सियासत हुई थी, आपको याद होगा राज्यसभा में यहां उम्मीदवारी तय होने से लेकर अब तक। लेकिन आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि पटना में जो उनका आवास था, आज वो खाली कर रहे हैं और खाली कर दिया है। बता दें कि आवास जेडीयू एमएलसी संजय सिंह उर्फ गांधी जी के नाम से अलॉट है, जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह रह रहे थे। अब यह आवास बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के नाम अलॉट कर दिया गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। ये उनका सरकारी आवास था और यहाँ पर जो है वो रहते थे, और यहीं पर अब चूंकि ये जो आवास है, ये सरकारी आवास है, ये सरकारी बंगला है, वो संजय सिंह उर्फ गांधी जी के नाम पर अलाट था और इसको बाद में जो है चीफ सेक्रेटरी के नाम पर अलाट कर दिया गया। अभी जो संजय गांधी हैं, एमएलसी हैं, वो आए हुए हैं, चूँकि उन्हीं के नाम पर बंगला था, तो उनका ये कहना था कि जब चीफ सेक्रेटरी के नाम पर अलाट हो गया तो जाहिर सी बात खाली होना था। अब बंगला खाली हो चुका है और साफ तौर पर जो कहें कि पिछले महीने ही जिस तरह से आरसीपी को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा गया, फिर उनका जो बंगला है वो चीफ सेक्रेटरी के नाम, यानी कि वो रह रहे थे। इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर आ रही है। देखिए, एक तरफ आरसीपी सिंह की बात करें, उन्होंने आवाज खाली कर दिया है, तो इसी बीच एमएलसी की बात कर दें, जेडीयू एमएलसी की तरफ से बयान भी आ गया है कि हम तो बंगले में काम करते थे, लेकिन आरसीपी सिंह की अगर बात कर ली जाए तो वो अतिथि के तौर पर रहते थे, और इसे लेकर आपको लगता है कि सियासत और तल्ख होगी। संजय सिंह ने यह बयान दिया है, आरसीपी सिंह बंगले में अतिथि के तौर पर रहते थे और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक नया बंगला नहीं मिला है, आगे आवंटित होगा। और देखिए, देश की राजनीति में बंगले को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है, फिलहाल बिहार में बंगले को लेकर सियासत हो रही है। और आरसीपी सिंह को लेकर यह बयान आया कि वो बंगले में अतिथि के तौर पर रहते थे।